बिहार से राज्यसभा जाने के लिए आज बीजेपी के दो और जेडीयू के एक प्रत्याशी ने नामांकन किया। राज्य के कुल 6 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह तो जेडीयू से संजय झा ने नामांकन किया। बिहार विधानसभा नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रत्याशियों के नामांकन के वक्त सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम बार बिहार में राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया है। बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से कोटि से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय धर्मशीला गुप्ता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। बिहार के गया में गहलोर घाटी है। गहलोर घाटी में बाबा दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। बाबा दशरथ मांझी के समाधि स्थल को आज प्रेम के प्रतीक स्थल के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ प्रेम के 2.5 अक्षरों को समझने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी पहुंचते हैं। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से पहुंचने वाले सैलानी यहां तक कहते हैं कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फाल्गुनिया के प्रेम की कहानी को देखें तो यह ताजमहल को भी पीछे छोड़ देती है, जहां शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था जिसमें सैकड़ों कारीगर लगे थे। लेकिन यहां माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी और हजारों लोगों के प्रेम में 22 सालों तक अथक परिश्रम कर पहाड़ का सीना चीर डाला। 360 फीट लंबे और कई फीट चौड़े ऊंचे घर और घाटी के इस पहाढ़ को चीर कर प्रेम की वह परिभाषा गढ़ दी जो आज देश और दुनिया में मिसाल के रूप में पेश की जाती है। उनके ये जगह में हम लोग आएंगे कभी तो सोच ही नहीं पाए थे। भगवान हम लोग को पहुंचा दिया अचानक प्रोग्राम बना के, तो यहाँ देख के तो हमारा मन पूरा बात ही बंद हो जा रहा है कि एक आदमी के अंदर इतना प्रेम अपने स्त्री के लिए एवं हजारों स्त्री के लिए जो जो प्रेम है वो मतलब क्या सबको दिशा दिखाने तक। लेकिन वो अकेले खुद एक प्रेम के लिए इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी इसका और ये मिसाल है प्रेम का कि ये इतना